भारत पाकिस्तान की सरहद के पास स्थित जैसलमेर जिला राजस्थान ही नहीं देश के सबसे बड़े विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक है। परिसीमन के बाद जैसलमेर जिले में दो विधानसभा क्षेत्र बने जिसमें एक जैसलमेर और दूसरा पोखरण है। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी सोजत विधानसभा सीट की, आज हम बात करेंगे जैसलमेर विधानसभा सीट की। विश्व में पर्यटन के लिहाज से अपने आप में एक अलग ही पहचान बनाए रखने वाली स्वर्ण नगरी जैसलमेर की स्थापना रावल जैसल ने सन 1156 में की थी। अब तक यहां हुए 15 विधानसभा चुनाव में केवल दो विधायक हुकुम सिंह और छोटू सिंह भाटी ही दूसरी बार विधायक बनने में सफल रहे हैं। इनके अलावा सभी विधायक केवल एक बार ही जीत सके हैं। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मानवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी की ओर से छोटू सिंह भाटी मैदान में उतरे हैं। इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में जैसलमेर में लगभग 2,50,343 मतदाता है। वही अगर यहाँ के जातिगत समीकरण की बात करें तो इस सीट पर राजपूत, ब्राह्मण, अल्पसंख्यक, एससी एसटी, बिश्नोई, जाट, ओबीसी सभी जाति के लोग निवास करते हैं, जो किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का समीकरण बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कुल 2,26,284 मतदाता थे, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रूपा राम को 1,06,571 वोट देकर विधायक बना दिया था, जबकि बीजेपी उम्मीदवार सांग सिंह भाटी को सिर्फ 76,753 मतदाताओं का समर्थन मिला था और 29,778 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में जैसलमेर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार छोटू सिंह ने जीत हासिल की थी और उन्हें 78,790 मतदाताओं का समर्थन मिला था, तो वही कांग्रेस उम्मीदवार रूपा राम को 75,923 वोट मिल पाए और उन्हें 2,867 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। जैसलमेर में मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो इसमें पानी, बिजली, रोड के अलावा अस्पताल का विकास कार्य, मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जैसी समस्याएं अभी भी कहीं ना कहीं शामिल है। ऐसे में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसी समस्याएं पार्टियों के सामने बड़े मुद्दे बनकर खड़ी हो सकती है। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।